नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने युवा एकता परिषद का खटकाया दरवाजा। बता दें कि इन दिनों युवा एकता परिषद संरक्षण पंडित सचिन शर्मा सूर्या के निर्देशन में परिषद की युवाओं ने जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का मोर्चा खोल रखा है। सड़क निर्माण करवाने को लेकर ग्रामीणों ने युवा एकता परिषद के प्रदेश संयोजक कुशाक चंद्र पांडे को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम पंचायत उकठा कंचनपुर में ग्राम निवासी आजादी के 74 वर्ष बाद भी सड़क के बिना कीचड़ व गड्ढों में चलने को मजबूर है। गांव पड़रा में पैपखरा पेशियान टोला तक सड़क निर्माण करवाए जाने को लेकर युवा एकता परिषद से सहयोग मांगा है। वहीं युवा एकता परिषद ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि ग्रामीणों के अधिकारों के लिए हम प्रसिद्ध हैं। जल्द ही शासन प्रशासन से सड़क निर्माण करवाने की मांग की जाएगी। आगामी दिनों में युवा एकता परिषद ग्रामीणों के साथ मिलकर अधिकार यात्रा शुरू करेगा। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आप लोग आज यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? क्या नाम है आपका? नारायण तिवारी। तो आपने अभी अपना ज्ञापन दिया है, किसको दिया है और क्यों दिया है? रोड के लिए दिया है। रोड की समस्या है। आज हम सब ग्रामीण वासी इकट्ठा होकर रोड की मांग है तो युवा एकता परिषद के प्रदेश संयोजक कुशाग्र चंद्र भैया को यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द गांव का हमारे विकास हो और रोड बने। हाँ बाबूजी, आप लोगों की क्या मांग है? बस हम लोगों की मांग यही है कि गांव में हमारे रोड की बन जाए, और काफ़ी सालों से 25-30 साल से रोड नहीं बन रही है यहाँ पर। यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंच और सेक्रेटरी का क्या कहना है इस रोड को लेकर? बस वही उनका कहना यही है कि रोड बन रही है, बनवाएंगे, लेकिन बनवा नहीं रहे। 5 साल बीत गए, सरपंच उनका भी ऐसे बीत गया। बोलते हैं पैसा नहीं है हमारे अकाउंट। पैसा वैसा सब मंजूर है, सब कुछ है, सब आ चुका है, लेकिन बनवा नहीं रही। यदि रोड नहीं बनती तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? इसके पहले मतदान का बहिष्कार भी किया गया, बहिष्कार करवा चुके हैं लोग। मतदान का बहिष्कार हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद कलेक्टर महोदय को जो आवेदन दिया है उसमें लिखा है यदि जब हमारी रोड नहीं बनती है आगे आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे सभी का बहिष्कार किया जाएगा। हम लोग करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो।